हम लोग मैंने 12 घंटा के लिए रेल और रोड हम लोग जाम किए हैं। जब तक हमारे मांगों पूरा नहीं होगा और बड़ा आंदोलन हम लोग करेंगे। यही इस माध्यम से अगर नहीं सरना धर्म कोड को लागू नहीं करते हैं तो आदिवासी बहुत ही जल्द क्रोध के सामने आ सकते हैं। उसके लिए कुछ भी करें तो हम लोग जोहार नमस्कार। अभी हम मौजूद है दुमका के फूलो जानू चौक में। जो यह रोड है मेन जो हाईवे है उन्हीं के बीच पड़ता है और दुमका से साहबगंज मेन रोड के बीच में पड़ता है और देख सकते हैं पूरी तरह से जाम कर दिया गया है इस चौक को। और यहाँ के तमाम आदिवासी यहाँ आए हुए हैं और इन लोगों का बोलना है कि सरना धर्म कोड मान्यता एवं आदिवासी राष्ट्रीय बनाने हेतु 30 दिसंबर 2023 भारत बंद रहेगा। और देख सकते हैं सालखन जी है और यह सुमित्रा मुर्मू है केंद्रीय संयोजक ASA और सालखन मुर्मू जो राष्ट्रीय अध्यक्ष ASA का है। और यहाँ तमाम आदिवासी समाज के नंगड़ा के साथ यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं और पूरे बंदी का आयोजन किए हैं। अभी हम बात करते हैं यहाँ जो है आयोजन करता है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कमिश्नर मुर्मू हुआ। क्या मांग है आप लोग का जो रोड जाम यहाँ पे पूरा पूरी तरह से बंद कर दिया? आज पूरा बंद रहेगा। भारत आदिवासी पहचान सरना धर्म कोड के लिए हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और ये आदिवासी संघल अभियान के तरफ से भारत बंद का आह्वान कर चुका है पहले ही और आज यहाँ दुमका जिला के फुलोचना चौक में पूरा बंद है रहेगा। कितना समय तक बंद रहेगा? अब आज पूरा दिन भर बंद होने का काम है और बंद रहेगा ही यहाँ पे। और जैसे दुमका के यहाँ मेन चौक यहाँ फुलो जानो और इसके सिवा कहाँ कहाँ बंद है दुमका में? दुमका में अदर चौक में भी हो रहा है, यहाँ से लेकर के उधर मछलिया तरफ भी हो रहा है और बहुत जगह छोटा छोटा चौक में भी हो रहा है। गाँव देहात में भी आदमी जो यहाँ तक नहीं पहुँचे उन लोग भी आज गांव में भी इसका प्रदर्शन कर रहे हैं और इसका पेपर मीडिया के माध्यम से भी सूचना दे रहे हैं केंद्र सरकार को। जैसे कि इससे पहले भी आप लोग मांग कर चुके थे क्या? इससे पहले भी हम मांग कर चुके थे लेकिन आज इतना ही भयानक राष्ट्रीय विपक्ष है जो कि रेल रोड चक्का जाम रहेगा आज को, इसीलिए केंद्र सरकार को होश देना चाहते हैं और राज्य सरकार को भी होश देना चाहते हैं। इस माध्यम से अगर नहीं सरना धर्म कोड को लागू नहीं करते हैं तो आदिवासी बहुत ही जल्द क्रोध के सामने आ सकते हैं। उसके लिए कुछ भी करें तो हम लोग अपनाएंगे नियम को। जानकारी दिए थे कि 30 तारीख को बंद है पूरा दुमका वासियों को जानकारी दिया गया था? पहले दिया गया था और आया भी है। बहुत कोई यहाँ पर तीन जगह पर जाम है दुमका में, यहाँ फुलो जनक में उस साइड में है और इस साइड में भी है, यहाँ भी है, तो तीन जगह अभी जाम कर चुका है। और इस साइड यहाँ भारत बंद के आह्वान से आदिवासी का सरना धर्म कोड होना चाहिए और आदिवासी का पहचान आइडेंटिटी सरना धर्म कोड से ही होता है, इसलिए आज भारत बंद किया गया है आदिवासी संघल अभियान की तरफ से। क्या लगता है मांग पूरा हो जाएगा आप लोग का? और पूरा होना चाहिए, नहीं पूरा होगा तो हम अपना नियम को अपना लेंगे। क्या कीजिएगा आगे? आगे की अगर रणनीति अपना बना लेंगे। देख सकते हैं तो आदिवासी समाज के लोग यहाँ आए हुए हैं और नंगड़ा के साथ आह्वान करते हुए आवाज देते हुए देख सकते हैं, नारा देते हुए देख सकते हैं कि बात करते हैं। क्या मांग है आप लोग का? हमारे मांग है भारत सरकार के द्वारा सरना धर्म कलम कोड देना होगा। आज हमने आदिवासी संघल अभियान के द्वारा 3 महीना पहले भारत सरकार को अल्टीमेटम दिया गया है लेकिन 30 दिसंबर का पहले हमारे सरना धर्म कलम कोड को यहाँ अपना प्रस्ताव या लोकसभा में बिल लाए, इसलिए हम लोग चुनौती दिए थे 30 दिसंबर तक या आज 29 हमने देखे 29 तक हम लोग अल्टीमेटम दिए थे लेकिन 29 तक घोषणा नहीं किया। इसलिए पूरे भारत में आदिवासी संघल अभियान के द्वारा और सरना समर्थक और भी संगठन है इनके द्वारा पूरे भारत में आज हम लोग मैंने 12 घंटा के लिए रेल और रोड हम लोग जाम किए हैं। जब तक हमारे मांगों पूरा नहीं होगा और बड़ा आंदोलन हम लोग करेंगे। यही मांगों के साथ आज हम लोग ये दुमका के फूलो चरण चौक में हम लोग जाम किए हैं। आज भर है कि और अगला दिन भी है? बंदी आज भर के? हाँ ना, आज भर के ही है बंदी। अगर हमारे मांग अगर विधानसभा या लोकसभा में नहीं उठा जाता है तो फिर अनिश्चितकालीन के लिए हम लोग रेल और रोड हम लोग जाम करेंगे। आपका परिचय? मेरा नाम है बरियार हमराम संताल परगना संगल परगना में।